तो आज मैं पहुंचा हुआ हूँ माही डेयरी फार्म। माही डेयरी फार्म के ओनर साहब ने हमें बताया था कि हम लोग अंग्रेजी दवा यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होता है गायों में तो एंटीबायोटिक या फिर बहुत सारे लोग कैल्शियम देते हैं अपने पशु को, तो उसके बारे में सर ने बताया कि कैल्शियम बहुत महंगा पड़ जाता है किसान को और हम लोगों को पता नहीं है कि होम्योपैथ में भी ऐसी दवाइयाँ हैं। तो सर ने बताया था पिछले वीडियो में कि इस पे एक वीडियो बनाइए, और सर ने होम्योपैथ का जो दवा ले इनको देते हैं जहाँ से इन परचेस करते हैं उनको भी बुलाया है। तो सर पहले तो आप जो यूज़ करते हैं वो दवा के बारे में बताएं। जैसे ये दूध गंगा है, दूध गंगा नाम है दवा का। हाँ, जैसे कोई बीमार हो गई और दूध कम हो गया है, हाँ, या दूध ताजी भी है और दूध आंचल में आने नहीं दे रही है, हाँ, तो ये क्या 10 दिन खिलाएंगे तो वापस अपने आप दूध पे आ जाएगी, या दूध आ नहीं रही, उतार नहीं रही है तो अपने आप उतार देगी वो दूध। अच्छा, ये है स्तनदायिनी, जैसे मस्टाटिस होता है उसके अंदर यूज 10 दिन खिलाते हैं दूध के अंदर चीटे। क्या नाम है दवा का? स्तनदायिनी है। स्तनदायिनी, हाँ, जो ऑर्डर के सभी प्रकार के बीमारियों में काम आती है। हाँ हाँ। फिर एक आती है एफएमडी की और आती है जुलाब मतलब बहुत सारे जितने भी एनिमल की बीमारियां उन सब के लिए कोई ना कोई दवा तो होम्योपैथ में इनके पास से मिली जाती है। और ये आप यूज कर रहे हैं, रिजल्ट बढ़िया है? हाँ, बहुत है। मैंने कई सारे फार्मरों को रिकमेंड किया, उन सबको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, वो भी अभी यही दवा यूज कर रहे हैं। आपकी ज्यादा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने उनको बुलाया है, वो आपके इस दवाई के बारे में ज्यादा मतलब कहां से हमको मिल सकता है, कहां से हमारे व्यूअर्स को मिल सकता है, वो पूरी जानकारी वो देंगे। पूरी जानकारी देंगे वो। ये है सुमित भाई, लक्ष्मी हेल्थ केयर होम्योपैथिक दवाई लेके आते हैं। अच्छा, और यही हमारे फार्म पे सप्लाई करते हैं। कैसे हैं सुमित भाई? नमस्ते, सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरा। जी, विगत 18 सालों से गुजरात के किसानों के साथ में किसानों के लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे आपने पंकज भाई से सुना कि वो भी काफ़ी सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, दूसरे किसान भाइयों को भी बताते हैं कि ये मेडिसिन यूज़ करने से एक तो रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, जिनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कीमत की यदि बात करें तो कीमत भी काफ़ी आज के समय के हिसाब से काफ़ी कम है, जिसमें से कम कीमत में अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट हम ले सकते हैं। तो मेडिसिन में कौन सी दवा सबसे ज़्यादा, देखिए लोग चाहते हैं कि कम खिलाकर दूध की उत्पादन ज़्यादा करें। जी, कम खर्चे में, ऐसा आप कह सकते हैं, कम खिलाकर तो नहीं बोल सकता। डाइट प्लान इतना बढ़ते जा रहा है, हर फीड वाले महंगा हो गए, हर एक चीज़ महंगा हो रहा है, दूध लोगों को उतने में 25-30 रुपये 40 रुपये दूध बेचना पड़ता है जी, हर एरिया के मुताबिक। तो लोग चाहते हैं कि हमारा खर्चा कम हो, इनकम ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है सर? सभी किसान भाइयों से यही रहता है, फार्म बनाने का उनका टारगेट भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। यदि डेयरी सिस्टम है तो डेयरी सिस्टम में फैट की भी इतनी वैल्यू है, तो ये जो प्रोडक्ट जो है दूध गंगा प्लस करके, वो दूध भी बढ़ाती है साथ में फैट भी बढ़ाती है, और उसके साथ में यदि पाना चुरा रहा है मवेशी, यदि दूध नहीं दे रहा है समय पर, यदि उसका बच्चा मर गया है तो उस समय जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होती है उसके लिए भी ये दूध गंगा प्लस जो है एक प्रोडक्ट, वो सारे काम करती है। एक ही प्रोडक्ट कई तरह के काम करती है, जैसे बीमारी में दूध की कमी हो जाना तो उसको वापस मेंटेन करना है तो ये प्रोडक्ट से दूध वापस मेंटेन भी हो जाता है। दूध कितना बढ़ जाती है उसके बारे जी, दूध के यदि बढ़ाने की बात करें तो इस मेडिसिन को देने से कम 20% तो दूध बढ़ता ही है। उसके बाद में फार्मर क्या दूसरा फीड दे रहा है, उसको किस तरह से उसने फार्म मेंटेन किया है, फार्म का मैनेजमेंट कैसा है, उस पर भी डिपेंड है, लेकिन यदि हम कहें तो कम से कम 20% दूध तो बढ़ जाता है। 20% अगर 20 लीटर उसका पर डे का दूध है तो कितना दूध बढ़ जाता है? तो 4 लीटर दूध तो कम से कम उसमें बढ़ोतरी होगी पर डे का। पर डे का तो 24 लीटर दूध जी हो जाएगी। जी, और तो इसका क्या खर्च आते हैं एक दिन में, उनको कितना खर्च करना पड़ेगा? यदि हम इसकी बात करें तो इस मेडिसिन के अंदर जो है डब्बी में आती है 100 गोलियाँ आती है, और जो गोलियां जो है वो साबुदाने की आकार की होती हैं, 10-10 गोलियां हम सुबह शाम उनके फीड में देते हैं। कैसे देंगे दोस्तों? कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी दवा देने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको अगर अंग्रेजी दवा की बात करें तो लगभग 1.5 इंच की दवा होती है, वो खिलाने में बहुत प्रॉब्लम करता है, रोटी के साथ दें, पानी का लिपिड होता है तो भी रोटी के साथ देना पड़ता है। तो एक ये कंपनी ऐसी है जो एक इस तरह की दवा बनाई है जो आप देख सकते हैं, 10 गोली ये है, और ये दूध गंगा प्रोडक्ट का नाम है। इसमें 100 गोली, कितना गोली सर बताएं? सर 100 गोली आती है इसमें, 100 टैबलेट्स, एक पशु को 10 टैबलेट्स देना है। तो आप इस तरह से अपने फीड में डाल दें,
अगर आप फीड भिगा कर डाल देते हैं अपने पशु को तो भी इसमें डाल दें। जी जी, तो भी उसमें डाल सकते हैं। यदि कोई मवेशी ऐसा है कि जो फीड नहीं ले रहा है तो ये प्रोडक्ट जो है वाटर सोल्यूबल भी है। अच्छा, पानी में हम उसको गला के भी उसको पिला सकते हैं। अच्छा, मतलब पानी में डालते ही जी पिघल जाएगी और वो पानी पीलेंस है जी किसी एक पशु को। तो आप अपने पशु को फीड तो जरूर देते होंगे, फीड के साथ में आप इस तरह से आपके 10 दाना दे दें तो आप इसका रिजल्ट क्या है? अब खिलाने का तो हमने देख लिया सर जी, इसका रिजल्ट क्या है, कब आएगा, कितने दिनों में आएगा? यदि रिजल्ट की बात करें तो जैसे पाना चुराना अधिकतर मवेशियों में देखा जाता है कि वो टाइम पे दूध नहीं देती है, पाना चुराती है, तो उसके लिए इसका रिजल्ट जो है उसका दूध निकालने का जो समय है उससे आधे घंटे पहले हमें ये 10 गोली खिलाना है उनको, तो वो आधे घंटे में जो है रिजल्ट देना शुरू कर देगी। मान लीजिए किसी कारण से उन्हें इंजेक्शन की जो अधिकतर यूज़ होता है, जो प्रोहिबिट है, उसकी भी आदत लग गई है, तो ये गोली देने से उसकी आदत भी दूर हो जाती है। अच्छा। और यदि कोई से हम बात करें कि एनिमल प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, काफ़ी सेफ़ है। हर प्रोडक्ट जो है वो प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, काफ़ी सेफ़ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। यानी कि ये लगभग 20% जी दूध बढ़ाएगी। और क्या क्या आपके प्रोडक्ट के द्वारा दवा मिल सकता है किसानों को? सॉरी, इसका पहले प्राइस जानना चाहूँगा सर। जी जी, जैसे इसकी बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड पैकिंग जो है डब्बे में 100 गोलियाँ आती है, जैसे पाँच दिन की ट्रीटमेंट हो जाती है उसमें, और इसकी MRP जो है 70 रुपये है, 70 रुपीज़ MRP है इसकी। एक दिन का लगभग 14 रुपये पड़ता है, यानी एक टाइम का 7 रुपये खर्च आता है। 14 रुपये में आप लगभग 4 kg दूध बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं 14 रुपये खिलाकर। इनका और कौन सा प्रोडक्ट है जैसे कोई किसान को जी इजी और वीडियो देखने के बाद खरीदने? यदि हम बात करें तो अधिकतर यदि फार्म पे देखा जाता है तो एक तो दूध की समस्या होती है, दूसरी बात आती है थनेला। जहाँ पे दूध उत्पादन ज़्यादा है वहाँ पे थनेला की समस्या होना ही होना है, तो उस समय में एलोपैथी ट्रीटमेंट है, उसके रिजल्ट भी हैं, कई बार साइड इफेक्ट भी आती है और कॉस्ट वाइज काफ़ी महंगी होती है। उसके लिए हमने स्तनदाह शमनी करके प्रोडक्ट बनाई है, जिस प्रोडक्ट को देने से उसके तीसरे टाइम से उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। यदि दूध में खून आ रहा है, छिछड़े बन रहे हैं, दही जैसा खून आ रहा है, पस आ रहा है, तो उस चीज़ को जो है तीसरे टाइम से उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, और 10 दिन देने से वो उसका बोले कि रूट जोन से उसके रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलेंगे। और उसकी भी यदि कीमत की बात करें तो वही बात है कि हम इकोनॉमी रेंज दे रहे हैं फार्मर्स को, वो 60 रुपये में 5 दिन की ट्रीटमेंट होती है। मतलब हर एक चीज़ की दवा आपके द्वारा मिल सकता है सर। अगर कोई आपसे हमारे व्यूवर्स खरीदना चाहते हैं जी तो उनको कैसे उपलब्ध होगा? जी, हम पूरे भारत में जो है इस चीज़ को कहाँ चल रहा है, कहाँ से वो खरीद सकते हैं उसके बारे में बताएं। जी जी, अभी यदि इसकी बात करें कि कहाँ चल रहा है तो सबसे पहले गुजरात में 2001 से हम इसको विगत 18 सालों से दे रहे हैं। इसके अलावा MP में शुरू किया है, महाराष्ट्र में पूरा है, ओडिशा है, राजस्थान में थोड़े बहुत हिस्से में शुरू किया है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर सभी दूर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। यदि किसी के आसपास में नहीं है तो वो हमें नंबर पे फ़ोन करके मंगा सकते हैं, जो हम उनको उनके घर पे डोर डिलीवरी दे सकते हैं ये प्रोडक्ट। डिलीवरी का कॉस्ट अलग से होगा? नहीं, वो डिलीवरी कॉस्ट हम नहीं लेते हैं। अच्छा जी, मतलब अगर 70 रुपये का ये को मंगा रहे हैं दूध गंगा जी नाम से, तो उनका 70 रुपये ही आपको पेमेंट उनको करना होगा। वो पेमेंट किस पैसे करेंगे आपको? जी, पेमेंट में आज की तारीख में देखें तो भारत सरकार ने जैसे डिजिटल इंडिया की बात कही है तो वो डिजिटली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम है, जीपे है, भीम है, UPI से है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो सर्विस है उसमें COD सर्विस है, कैश ऑन डिलीवरी। जब आपके पास में प्रोडक्ट आती है तब वहाँ पर आप पेमेंट दे के भी वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, वो जो पोस्ट से आप भेजेंगे जी उनको पैसे दे के भी? हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी है आपके यहाँ? तो किसान भाई, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम। अगर आप, बहुत से लोग ऐसा ट्रस्ट नहीं करते हैं कि पैसा भेजा भेजेगा नहीं भेजेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया सुनहरा ऑफर कह सकता हूँ मैं कि आप डायरेक्ट 100-200 का दवा मंगा लें और मंगाने के बाद वहीं पे सामने दवा आने के बाद पैसा दे, प्रोडक्ट को खोले ना, खोलने के बाद फिर वो पैसा देना ही पड़ेगा, है ना सर? जी, तो पूरी जानकारी, अगर और भी जानकारी है इनके पास, सर के पास, और आप चाहते हैं लेना, तो बेझिझक सर का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट करें और अपने पशु के बारे में क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से दवा ले लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।